अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त थाना शरा फैसल पे मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये थाने का हाल है। कोई बंदा यहाँ नहीं बैठा हुआ, ठीक है जी। और ये आप सामने देखें, ये लोग बैठे हुए, ये लोग आप अच्छे से चेहरा देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको लॉकअप में दिखा रहा हूँ, ये लोग, ये तो इस वक्त जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनकी तादाद 7 है और ये 7 वो नौजवान हैं जो स्नैचर्स हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इन स्नैचर्स की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है इस अंदाज़ में कि हमारी ज़ाती कोशिश की बिना पर, और इनके नंबर्स हमारे पास पहले से आ गए थे। ये देख लीजिए, लोकेशन निकाल कर कैमरे से, CCTV से इनकी वहाँ से हमने लोकेशन निकाली, उनके नंबर निकाले और फिर उसके बाद हमने इनको ट्रेस किया। हमने इनको बहुत देर तक ट्रेस करने के बाद यहाँ पहुँचे और जब हमने गिरफ्तारी अमल में लाने की पूरी कार्रवाई कर ली और ये गिरफ्तार हो गए, तो इस वक्त ये थाने में यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये SHO साहब का कमरा है। SHO साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, अपने कमरे में मौजूद नहीं है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आपने देखा कि ये जो मेरे साथ स्नैचिंग हुई थी, उस स्नैचिंग में जहां मैंने स्टेटस लगाया था और आप सबने वो देखा था, वो स्टेटस दरअसल ये था कि मैं और मेरी अहलिया, ये मेरे साथ मौजूद है आबिदा, हम यहां मौजूद हैं इस वक्त थाने में। हमने आकर यहां पर कल अपनी स्नैचिंग की FIR कटवाई। जब FIR कट गई तो FIR कटने के बाद ये वाजे हो गया कि अब जनाब गिरफ्तारी होगी उन मुलजिमान की। चाह जाएगा कि पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, हमने खुद ज़ाती तौर पर कार्रवाई की और हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हम उन लोगों तक पहुँचे और फिर हमने 15 से मदद मांगी, तो 15 की मदद जब हमें पहुँची तो आज हमने रात 1 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, 15 की गिरफ्तारी के बाद थाना पुलिस भी आ गई और फिर वो हम थाने लेकर आ गए। लेकिन आज थाने में ये सूरत हाल है कि बाहर लोग खड़े हैं, वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, थाने का अमला उनका दोस्त है, और इतना आसान कर दिया गया है इस मामले को कि मेरी जान को खतरा है। मैं आप सबको वाजे तौर पर लाइव वीडियो में बता रहा हूं, आगा शिराजी की जान को ख़तरा है। इस वक्त शारा फैसल थाने में मौजूद हूं, थाने के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, यकीनी तौर पर उनके पास असलहा भी होगा। मैं अपनी जायज़ आवाज़ बुलंद कर रहा था, और मेरी जायज़ आवाज़ क्या है कि यार मेरे साथ स्नैचिंग हुई है, मुझे लूटा गया है, और लूटने के बाद फिर मैं थाने आकर ये दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। थाना FIR काटता है, FIR काटने के बाद मेरी ज़ाती कोशिश के बाद जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो आज थाने में खड़ा होकर मैं बेबस हूँ। SHO यहाँ मौजूद नहीं है, साजिद सदुजई SSP ईस्ट है। मैं ये सवाल करता हूँ, SSP ईस्ट, DIG ईस्ट, कराची पुलिस चीफ, IG सिंध कहाँ है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहाँ है? आप बताएं ना, मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब आप तो मेरे दोस्त हैं, नासिर हुसैन शाह साहब आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं तो यहाँ थाने में बेयारो मददगार खड़ा हूँ, मेरा कोई मददगार नहीं है यहाँ पर। मुझे इतना दुख हो रहा है इस बात का, इतना शदीद दुख हो रहा है कि मेरा यहाँ कोई बेयारो मददगार हूँ मैं? यहाँ पर वो लोग जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है, जिनकी गाड़ियों के नंबर पहले से यहाँ पर मेंशन थे, FIR में मेंशन थे, मैंने मेंशन करवाए हैं, FIR कटवाई है, और उनकी शिनाख्त के लिए सारे कायदे मैंने पूरे किए हैं। अगर सारे कायदे पूरे होने के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है और वो भी मेरी कोशिश से, और फिर पुलिस उनके साथ रिलैक्सेशन करती है, मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ?